और चलिए शुरुआत करते हैं इंदौर से। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी गई है। कांग्रेस की एक उम्मीद खत्म हो गई है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने याचिका खारिज कर दी। मोती सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, एक ऑप्शन कांग्रेस बचा था वो भी अब खत्म हो गया है। मोती सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका रिव्यू करने के बाद याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी खबर को बता रहे हैं। सीधे सीधे यहाँ पर देखिए आप, बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सिंगल के बाद डबल बेंच ने याचिका खारिज की। कांग्रेस की आखिरी उम्मीदें भी इसी के साथ खत्म हो गई। इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, नाम वापस ले लिया था जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। नाम वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया था और ऐसे में आखिरी उम्मीद मोती सिंह पटेल थे, कांग्रेस की आखिरी उम्मीद वो बचते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब ये उम्मीद भी समाप्त हो गई है, ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। लास्ट ऑप्शन भी अब कांग्रेस के पास नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिटीशन का रिव्यू करने के बाद याचिका खारिज कर दी गई है। सिंगल के बाद डबल बेंच ने भी याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस की आखिरी उम्मीदें भी इसी के साथ खत्म हो गई। तो अक्षय कांति बम, आपको याद होगा एक और नया चैप्टर इंदौर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका रही। होटल में चर्चा हुई ऐसा बताया जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखी गई थी इसी के तहत। और उसके बाद फिर कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उनकी तस्वीर दिखाई दे रही थी अक्षय कांति बम के साथ। फिर उनका नामांकन वापस ले लेना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, जिसके बाद सीधे सीधे इंदौर और खजुराहो सीट बीजेपी की होती दिखाई दे रही है। ये दो सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। नाम वापसी के बाद बीजेपी में शामिल अक्षय कांति बम, आखिरी उम्मीद मोती सिंह पटेल, और वो भी उम्मीद खत्म हो गई है। संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बड़ी खबर सामने आ रही है, आखिरी ऑप्शन, आखिरी उम्मीद भी अब नहीं बची। कांग्रेस को संभावना थी इस बात की, आशंका थी इस बात की कि ऐसा हो सकता है और इसीलिए नोटा का प्रचार शुरू कर दिया था। हालांकि सबसे बड़ा झटका तो इस बात को लेकर था कि उनका अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन अपना फॉर्म वापस दे दिया है। लेकिन मोती सिंह अब अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे कि उनको कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद में लेकिन अब याचिका का खारिज हो जाना ये साबित करता है कि कांग्रेस की उम्मीदें अब खत्म हैं और अगली अब जो अगली रणनीति पर कांग्रेस को काम करना होगा, यानी जो नोटा का एक ऑप्शन बना, नोटा का प्रचार का जो ऑप्शन कांग्रेस ने बना के रखा था, इस ऑप्शन पर काम करना कांग्रेस के लिए यही एक विकल्प मात्र रह गया है। इस पर ही काम करना होगा अब कांग्रेस का कोई। लेकिन ये जो नोटा ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं, इसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या इसका फर्क पड़ता नजर आएगा? और फिर सीधे सीधे खजुराहो और इंदौर की हम बात करें तो ये दो बड़ी बड़ी सीटें तो बीजेपी के पास हो गई। ये वॉकओवर जैसी स्थिति है जहाँ पर अब कोई बड़ा मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार के सामने नजर नहीं आ रहा है। खजुराहो के बाद में ये स्थिति अब इस दौर में है। जाहिर तौर पर रणनीतिक हार है ये कांग्रेस के लिए और हाईकोर्ट से भी झटका मिल जाना। अब ये कांग्रेस कांग्रेस के पास अगली रणनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है जो नोटा का प्रचार। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब कोई ऑप्शन बचता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता सचिन भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सचिन, अब ग्राउंड जीरो पर क्या समीकरण बनते आप दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जैसे क्योंकि हाईकोर्ट ने आज डबल बेंच ने भी इनकी पूरी जो याचिका लगाई थी वो खारिज कर दी है और अभी तक इनका कोई रुख सामने नहीं आया है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी सामने आई वो यह है कि अब इन कोर्ट का शायद रुख कर सकते हैं क्योंकि अभी भी 9 दिन है वोटिंग में, आठ दिन है लगभग अभी भी वोटिंग में, क्योंकि 13 तारीख को इंदौर में वोटिंग होना है। इसके पहले मोती सिंह ने एक सिंगल बेंच में जब क्या बोलते हैं
याचिका लगाई थी तो उस टाइम भी पहले उसको सुना था, फिर उसके फैसले को रिजर्व रख लिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो याचिका खारिज कर दी थी। और कल भी ऐसा ही हुआ, कल उन्होंने सिंगल बेंच को चुनौती देते हुए डबल बेंच में याचिका लगाई थी, और उसके बाद आज उसका फैसला आया है जिसमें यही है कि वह याचिका फिर खारिज कर दी, क्योंकि वह एक ही बात लेके पहुंचे थे कि बोले मैं कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की तरफ से था, लेकिन जो एक साइन और दस साइन को लेकर जो पूरी बातें आई थी सामने और उन्होंने अपना वक्तव्य वहां पे रखा था, उस बात को लेके ही ये चीज सामने रखी गई थी, लेकिन वहां पे भी इनकी सुनवाई नहीं हुई और उसी चक्कर में आज हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। तो इस पूरे मामले पर आप देखिए स्पष्टीकरण होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो बची कुची उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, ये बड़ी खबर मोती सिंह पटेल की।